नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अल्लाह ने हम लोगों को जो सलाहियत दी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह ने जो हम लोगों को नवाजा है उसमें से निकाल कर आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बस इतना ही करना है कि इस झंडे के नीचे आ जाओ और यहां से जब उठो, जो लोग यहां से चले गए उनके कानों में ये बात पहुंचाओ, कहो तुम नादान थे तो तुम्हारे मुस्तकबिल की बात हो रही थी, तुम घर में बैठे थे और हम अपने मुस्तकबिल मैदान में बैठ कर तय कर रहे। मेरे भाइयों, बातें बहुत हो सकती है। ये जो मैदान सोलह में जो पाकिस्तान की घेराबंदी की बात चल रही है, मैं इसको जरूर से जरूर अल्पसंख्यक मिनिस्टर जो है जमा खान साहब उनको भी दूंगा, हमारे मिनिस्टर जो हमारे समाज के हैं इसराइल मंसूरी भाई उनको भी दूंगा, और ये खुद अपने हाथों से मैं अपने लेकर बैठ कर वहाँ के जो है प्रधान महासचिव जो अभी है अमित सुभाष साहब उनके यहाँ भी पहुंचा रही, तब ये मेरा वादा है आपको। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जनाब पप्पू मंसूरी साहब, जनाब पप्पू मंसूरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तमाम जो भी कब्रिस्तान का जो भी मामला है वो मैं अपने लेटर पैड पर लिख के दूंगा और आप सबको उसका एक कॉपी भी दूंगा ताकि आपको ये रहे कि हाँ हमारी जो है बात वहां पहुंचा दूंगी। खलील मंसूरी साहब कौन है? आइए। अच्छा, आप सबों के बीच जनाब साजिद मंसूरी भाई आइए। तारिक मंसूरी साहब को हमारे बीच एक अर्जी दी गई है पर्ची, जिसमें लिखा गया है कि उनको प्रखंड का मीडिया प्रभारी बनाया जाए। आप सब चाहते हैं कि इनको बनाया जाए तारिक मंसूरी साहब? मीडिया प्रभारी का मतलब होता है जो भी आपके प्रॉब्लम होंगे, जो भी आपके मुसीबतें होंगे, ये मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके जरिए ये हम तक पहुंचाएंगे और यहाँ के हुकूमत तक पहुंचाएंगे, यहाँ के डीएमएसपी तक पहुंचाएंगे। जो भी मामला होगा आप इनको बताएंगे, इंशाल्लाह इनके जरिए तमाम जम्मू जो है बात पहुंचेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि वो बात मुकाम जो है, तो आप लोगों की मौजूदगी में इनको जो है हम मीडिया का प्रभारी बनाते हैं।